पुलिस कमिश्नर पूर्वी जोन थाना आशियाना पुलिस ने 20 मैच जो चल रहा है आईपीएल का, उसमें तीन आरोपियों को गिरफ्तार करा है। तीनों ही सट्टे का दाव लगा रहे थे, जिसमें से मोहम्मद शहबाज और फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया है। जो दूसरा आरोपी है वह है अवध अहमद और तीसरा मोहम्मद उमेद है। तीनों के पास से 44,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। हरियाणा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करा है और अब आगे इनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे होने की भी उम्मीद है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस बार पहली बार लखनऊ में आईपीएल मैचेज हो रहा है, तो लोकप्रियता भी अधिक हुई है, बढ़ी है और यहाँ पे उसमें रुचि लेने वाले लोग अधिक हैं। बहुत सारे लोग खेल को देखते हैं, बहुत सारे लोग जो बेटिंग करते हैं, ऑनलाइन बेटिंग करते हैं, वो भी है। तो ये मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग जो आपके सामने उपस्थित हैं, ये लोग ऑनलाइन बेटिंग में मशगूल हैं, वो क्राइम कर रहे हैं। इसी पे जो सेंट्रल क्राइम टीम है उसके द्वारा और थाना आशियाना की टीम के द्वारा लग के आज इनकी गिरफ्तारी की गई। थाना आशियाना क्षेत्र से इनके पास से 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, 44,000 रुपये बरामद हुए हैं और रजिस्टर और पेन बरामद हुए हैं, जिसपे ये ऑनलाइन जो सट्टा लगाते थे उनका सब नोट करते थे, किसका कितना कितने लगाया है, उसे कितना दिया जाना है हार पे और जीत पे कितना लिया जाना है। तो जो टीम ज़्यादा मजबूत होती थी उसकी जीत पे यदि कोई लगाता था तो उसको जो पैसा लगाता था उससे कम रेट ये वापस करते थे। ये पहले से तय रहता था। वो जो यदि मान लीजिए कोई कमज़ोर टीम है वो यदि जीतती थी उसको ज़्यादा पैसा ये रिटर्न करते थे। इसी मार्जिन में इनके द्वारा ये खेल किया जाता था। सर, ये जो आईपीएल का पूरा सट्टेबाजी का कर रहे थे, केवल लखनऊ से संचालित था या फिर आसपास के जिलों से भी लोग इसमें लगाते थे? बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, तो ऑनलाइन गेमिंग आप जान ही रहे हैं, चाइना वगैरह से भी चलती है बहुत, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर लोग करते थे उनको हम लोग ट्रैक किए। आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी, देखेंगे कौन कौन इसमें शामिल है, उनको भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, क्या इन लोगों का कुछ और भी कनेक्शन निकला है कि आईपीएल में किन बड़े लोगों से संपर्क में रहे हैं ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं अभी तक, क्योंकि आज ही ये पकड़े गए हैं। आप ही आपके सामने हम लोगों ने इन्हें प्रस्तुत किया है, उतनी डिटेल इंट्रोगेशन जितनी हुई है उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि किसी रिनाउंड पर्सन से इनका कोई संपर्क हो। क्या इससे पहले किसी इन्हीं सब मामलों में जेल जा चुके हैं या फिर पहले? इनका कोई कानूनी पुष्टि नहीं है एज पर आवर रिपोर्ट, ये पहली बार इसी में पकड़े गए हैं। हालांकि पूछताछ में उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष से इस कार्य को कर रहे हैं। ये सट्टेबाजी के अलावा और किस काम में संलिप्त रहते थे या क्या कुछ और काम कर रहे थे ये लोग? और काम कोई अपराध वाला नहीं कर रहे हैं, बाकी तो अपनी जीविका कमाते ही होंगे। ठीक सर, थैंक यू।